तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते गुरुवार 11 अप्रैल को ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां, जिसको आज सिनेमाघरों में तीसरा दिन चल रहा है। और दोस्तों, अपने पहले दिन एक बड़ी ओपनिंग लेने के बाद फिल्म का दूसरे दिन का जो कलेक्शन था उसमें बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन दोस्तों, आज तीसरा दिन है फिल्म का, पहला सैटरडे है, तो कहीं ना कहीं फिल्म के कलेक्शन में हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। और वहीं सामने है बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान, जिसको आज सिनेमाघरों में तीसरा दिन चल रहा है। अपने पहले दो दिनों में यह फिल्म अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने में कामयाब रही। वहीं आज फिल्म का तीसरा दिन है सिनेमाघरों में, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैदान फिल्म अपने पहले दो दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, वहीं फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है, और वहीं बात करेंगे आज अपने तीसरे दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का तीन दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां अपने पहले दो दिनों में इंडिया के अंदर और पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, और आज अपने तीसरे दिन ये फिल्म क्या करने वाली है, और फिल्म का तीन दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और अक्षय कुमार को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि एक हिंदी लैंग्वेज की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसका फैंस को बड़ा ही इंतजार था, और अक्षय कुमार ने भी इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था जैकी भगनानी, वाशु भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने। फिल्म में हमें अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी छिल्लर, सोनाक्षी सिन्हा और रोनित रॉय अहम किरदारों में नजर आए। और दोस्तों, फिल्म का ऑफिशियली बजट लगभग 350 करोड़ रुपये का है। लेकिन अगर बात करूँ मैं फिल्म के अभी तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले दिन यानी कि ओपनिंग डे पर इस फिल्म ने 15 करोड़ 65 लाख रुपये इंडिया से नेट कमाए थे, तो वहीं फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था वो 36 करोड़ 33 लाख रुपए था। दूसरे दिन फिल्म ने पूरे इंडिया से कमाए 7 करोड़ 25 लाख रुपए फ्राइडे को, क्योंकि ये वर्किंग डे था इसलिए फिल्म के कलेक्शन में काफी गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, आज फिल्म का तीसरा दिन है, आज यानी कि पहला सैटरडे है, तो फिल्म के कलेक्शन में हमें उछाल देखने को मिला है और फिल्म आज 12 करोड़ रुपए पूरे इंडिया से नेट कमा रही है, और फिल्म की जो तीन दिनों की टोटल कमाई है वो 35 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 70 करोड़ रुपए कर रही है। और दोस्तों, अभी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट होने के लिए बहुत बड़ी कमाई करनी है। लेकिन चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान की। तो दोस्तों, तारीफ करूंगा, मैदान फिल्म बहुत ही बढ़िया है और शानदार फिल्म है। हालांकि जिस तरह से इस फिल्म को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था, क्योंकि फिल्म को रिलीज से पहले ही बहुत ज़्यादा तारीफें मिल चुकी थी, पॉजिटिविटी मिल चुकी थी, मतलब जिसने भी फिल्म को देखा था हर कोई फिल्म को बढ़िया बता रहा था और अभी भी सब फिल्म को बढ़िया बता रहे हैं, लेकिन सिनेमाघरों में कोई इस फिल्म को देखने के लिए जा नहीं रहा है क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल ये फिल्म नहीं दिखा पा रही है जैसा कि इस फिल्म से उम्मीदें थी। अजय देवगन की फिल्म शैतान बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट रही, लेकिन मैदान एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जो कि अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था बोनी कपूर और जी स्टूडियोज ने, और फिल्म में हमें अजय देवगन और प्रियामणि नजर आई थी। और दोस्तों, फिल्म का जो ऑफिशियली बजट है वो लगभग 100 करोड़ रुपए का है। लेकिन बात करूं मैं फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो मैदान फिल्म अपने पेड प्रीव्यू से 10 अप्रैल को 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने में कामयाब रही थी। उसके बाद आता है फिल्म का पहला दिन यानी कि थर्सडे को, फिल्म ने कमाए 4 करोड़ 50 लाख रुपए, और फिल्म की जो टोटल कमाई रही पहले दिन की पेड प्रीव्यूज मिला के वो 7 करोड़ 10 लाख रुपए इंडिया से नेट थी। वही फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन था वो 8 करोड़ 40 लाख रुपए था। ओवरसीज से फिल्म ने कमा लिए थे 2 करोड़ 30 लाख रुपए, और कुल मिला के फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 10 करोड़ 70 लाख रुपए कमा लिए थे। अब उसके बाद आता है दूसरा दिन, फिल्म का कलेक्शन रहा सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपए का, और दोस्तों आज तीसरा दिन है और आज ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमा रही है, और फिल्म की तीन दिनों की जो टोटल कमाई है वो 15 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है, तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 25 करोड़ रुपए कर रही है। और दोस्तों, अभी तक मैदान फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर उतना खासा कमाल नहीं दिखा रही है जितना कि इन फिल्मों को दिखाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैदान या बड़े मियां छोटे मियां, आपको इन दोनों फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई है कमेंट में जरूर बताइएगा।